हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके चेहरे हाव भाव को देखकर क्या सोचते हैं। ओके, जब भी वह आपको देखते हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, तो वो क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, यही देखेंगे हम आज की रीडिंग में। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। साथ ही जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दी है। और गाइज, हमारे चैनल पे जो है ज्वाइन बटन भी आ गया है, तो अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आपकी पसंद की एवरी वीक एक वीडियो ज़रूर अपलोड की जाएगी। ओके, अगर आप हमारी फैमिली को ज्वाइन करते हैं, यूट्यूब फैमिली को, तो आपके लिए स्पेशली कुछ वीडियोस अपलोड की जाएंगी, वो भी आपकी ही पसंद की, लेकिन वीक में एक बार। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बॉटम ऑफ डेक आया है एट ऑफ वॉन्ड्स, मैं जल्दी से कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। आई होप गाइज कार्ड विजिबल होंगे आप सभी को। तो गाइज, आपको देखते ही लोग क्या सोचते हैं, आपके चेहरे को देख के, आपके हाव भाव को देख के लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपकी जो फेमिनिन साइड है वो काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि हम एनर्जीज की बात करते हैं टैरो में, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फेमिनिन साइड ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। तो आप लविंग है, केयरिंग है, और दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। एक मैं कहूँ माँ की तरह केयर करना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट देना, आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। साथ ही आपकी जो पर्सनैलिटी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन हो, काफ़ी अच्छा अपने करियर में कर रहे हो, काफ़ी फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, और एक ऐसे व्यक्ति हो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात कहता है, लाइक किसी के भी सामने वो डरता नहीं है अपनी बात कहने में, फिर चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। लेकिन उनको आपका जो नेचर है, आपके जो हाव भाव हैं, या फिर मैं कहूँ आपका जो फेस फीचर हैं, वो देख के उन्हें साफ क्लियरली समझ आ जाता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी से डरता नहीं है, अपनी बात साफ कहना जानता है, काफ़ी सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन है, तो उसे मेहनत करने से भी डर नहीं लगता। ओके, आपको देख के ही उन्हें समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति जो है बहुत हार्डवर्किंग है, और ये काम में कंजूसी करना, काम से बचना, इसका ये नेचर नहीं है। बहुत फोकस है अपने काम को लेकर, फाइनेंस को लेकर, 10 बारी ये सोचता है व्यक्ति कि क्या डिसीज़न लेना है। ओके, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो देख के लोगों को यही चीज़ें लगती हैं कि आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, आपका कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत अच्छा है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, ज़्यादा घुमा फिरा के बात करना आपको पसंद नहीं है, और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे व्यक्ति भी हो जो अपने काम पे, अपने गोल पे पूरा फोकस रखता है, और खुले दिल से ज़िंदगी जीने का बहुत शौक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको घूमने फिरने का बहुत शौक हो, एनिमल लवर हो सकते हैं, आपके पास कोई कैट या डॉग हो, कोई पेट हो, ऐसा हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है, पास्ट में काफ़ी लॉसेस देखे हैं,
पास्ट में हेल्थ इशू भी देखे हैं, तो इस वजह से शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन है। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रगल फेस की है, फाइनेंशियली मैं कहूँ बहुत ज़्यादा लॉसेस देखे हैं, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा फोकस होकर काम करते हो। कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो 10 बारी सोचते हो कि मुझे यहाँ करना है या नहीं करना। काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन हो, काफ़ी अच्छे हो, गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, अगर लड़के हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो इसीलिए अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेने होते हैं उसके लिए आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। मींस आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी लाइफ के डिसीजन है वो खुद लेता है। अगर किसी को कमिट किया है तो उस कमिटमेंट को वो निभाएगा। लोगों को आपसे बातचीत करना बहुत पसंद है। सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, ऐसा हो सकता है, या लोग आपके आसपास के ऐसे हैं जिन्हें आपके साथ बातचीत करना, आपके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना बहुत पसंद है। इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, फ्रीलांसर वर्क करते हो, वो चीज़ हो सकती है। और कहीं ना कहीं वो आपको मैरिज मटेरियल भी समझते हैं क्योंकि आप उनसे बिल्कुल अपोजिट हो, लेकिन एक है कि जो उन्हें कंप्लीट करता है। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन, क्योंकि यहाँ मुझे फेमिनिन साइड ज़्यादा दिख रही है, तो मे बी शायद आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, और बहुत इमोशनल सपोर्ट देना, बहुत गिवन नेचर रखना, वो चीज़ है आपके अंदर। तो जो सामने वाले व्यक्ति हैं मे बी ऐसा हो सकता है बहुत रफ टफ से हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आप ही की तरह, बट बहुत ही ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी के पर्सन हैं, ठीक है। फिर चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ मैरिज करने से ये होगा कि दोनों को बैलेंस मिलेगा और दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छे भी लगते हो और पर्सनैलिटी एक दूसरे की सूट भी करती है, ठीक है, वो चीज़ भी लगती है। और कहीं ना कहीं आपको मैरिज मटेरियल भी समझते हैं। और बहुत ज़्यादा फायरी नेचर के हो, तो यानी कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता हो, ऐसा हो सकता है। या आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। कोई भी काम हो, आप जो भी काम करते हो, वो उसमें ये है कि आप बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ करते हो, एंड इसलिए ही आप इंडिपेंडेंट हो, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हो, या फिर मैं कहूँ क्रिएटिविटी से जुड़ा कोई काम हो और कुछ, ठीक है, आर्टिस्ट हो सकते हो, वो चीज़ हो सकती है। और आपकी पर्सनैलिटी, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका जो ऑरा है वो इतना अट्रैक्ट करता है, आपके फेस फीचर इतने अट्रैक्ट करते हैं उनको कि कहीं ना कहीं मन ही मन वो आपको पसंद भी करने लग जाते हैं, ठीक है। आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का सोचते हैं, आपको इनवाइट करना किसी फंक्शन में, मतलब आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप फ्रेंडशिप भी कह सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी कह सकते हो, या मैरिज तक की चीज़ें सोचते हो अगर आप सिंगल हो, तो वो चीज़ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आप मैरिज मटेरियल पर्सन लगते हो। और एक और चीज़ है, उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही कट टू कट बात करना पसंद करते हैं और बहुत शार्प माइंडेड पर्सन है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने ट्रॉफी वगैरह भी जीती हो, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया हो, किसी कंपटीशन वगैरह में, तो इंटेलिजेंट भी हो, रिस्क टेकर हो, रिस्क लेना बहुत पसंद है अपनी लाइफ में। आपको यही चीज़ रहती है कि भाई जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि जीत होगी या हार, तो रिस्क लेना आपको अपनी लाइफ में बहुत पसंद है। और आपके सपोर्टर बहुत हैं, सपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं, एंड इवन ऐसे फ्रेंड्स हैं या फैमिली में ऐसे लोग हैं आपके पास जो आपके लिए लॉयल हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा नहीं चाहते होते, ठीक है, जबकि वो फैमिली में है, लेकिन आपकी फैमिली हमेशा आपके सपोर्ट में रहती है, आपके फ्रेंड्स आपके सपोर्ट में रहते हैं, आपके पास सपोर्ट हमेशा अवेलेबल रहता है, वो चीज़ भी दिख रही है यहाँ पर मुझे। या काफ़ी अबंडेंट पर्सन हो आप बहुत ब्लेस्ड पर्सन हो, थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर भी है आपका, ठीक है, थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर भी है। ये हमारा किंग ऑफ सोर्स है और क्वीन ऑफ सोर्स ऑलरेडी आ रखे हैं, हीलिंग चेंज फ्रेंडलीनेस, ओके, बॉटम ऑफ डेक है पेशेंस, ओके। सो गाइस यहाँ पे यही चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सबसे पहले तो आप काफ़ी अबंडेंट हो,
फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, शुरू से ही एक अच्छी लाइफस्टाइल जी हो, वो चीज़ हो सकती है। एंड स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में आता है, वो नॉर्मल चीज़ है। और अबंडेंस का मतलब ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा रिच, एंड वो नॉर्मल सी चीज़ कहूँगी कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास जो था वो उसमें सेटिस्फाइड है एंड उसमें अबंडेंट फील करता है, उसमें वो खुश है, उसमें सेटिस्फाइड है वो, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो हमेशा जब कोई रिच बोलता है या फाइनेंशियली अबंडेंट बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप बहुत ही ज़्यादा रिच हो, लाइक आपकी नॉर्मल सी भी फैमिली है, नॉर्मल सा ही आपका कोई बिजनेस है या जॉब है, तब भी आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। उसमें आप अबंडेंट फील करते हो, साथ ही थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर है, कंट्रोल करना, लाइक आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑर्डर देता है, ऑर्डर लेता नहीं है, वही यहाँ पे एम्परर है और ये किंग ऑफ सोर्स है हमारा। तो वही चीज़ है कि आपके अंदर ये है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलूँगा, अगर आपको ठीक लगे तो मान लेना, बुरी लगे तो यहीं छोड़ के चले जाना, वो चीज़ है। लेकिन आप जब एडवाइस देते हो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, आप डरते नहीं हो किसी से भी, एंड कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ अच्छी भी लगती है कि एक बोल्ड पर्सनैलिटी का पर्सन है, एंड जैसा वो है एक्चुअल में वो वैसा ही दिखा रहा है, वो कुछ मैनिपुलेट करके नहीं दिखा रहा, वो किसी को झूठ नहीं बोल रहा है। तो ये चीज़ें तो ऑब्वियसली बात है हर किसी को अच्छी लगती है। और यहाँ पर हीलिंग कार्ड से मैं यही कहूँगी कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक लविंग है, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनली सपोर्ट देते हैं लोगों को, ठीक है, और कहीं ना कहीं हेल्पिंग नेचर भी है आपका कि लोगों की मदद करना, एंड इसी वजह से उनकी शायद सोच भी चेंज हो रही है आपके लिए और उनका नज़रिया भी चेंज हो रहा है। और मैं कह सकती हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मैरिज मटेरियल है, वही चीज़ है। और आपके साथ फ्रेंडलीनेस का मैं यही कहूँगी कि सोशल मीडिया पे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, आपके साथ हमेशा टच में रहना, लाइक आपके साथ बातचीत करते रहना, फिर चाहे ऑनलाइन ही हो, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें आपकी कंपनी अच्छी लगती है, उन्हें अच्छा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बैलेंस है। ये चीज़ मैं बैलेंस में भी कह सकती हूँ कि ना आप ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, ना ज़्यादा हार्ड हो, वो चीज़ हो सकती है, काफ़ी गिवन नेचर के हो तो दिल से मदद करने वाले हो, आपका हार्ट चक्रा काफ़ी ओपन हो तो ऐसा हो सकता है कि आप गिवन नेचर के हो, हर किसी की मदद करना, हर किसी को माफ़ कर देना, वो वाली फिलॉसफी अपनाते हो, वो चीज़ हो सकती है। हमेशा चेंज के लिए रेडी रहते हो, अपनी जो मैं कहूँ पर्सनैलिटी है ना, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, उसमें चेंज लाना, उसको बैलेंस करना, पता नहीं आपको साइन दिख भी रहा होगा कि नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे लग रही है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों को बैलेंस करके रखता है, बट ज़्यादातर आपका फेमिनिन साइड एक्टिव रहता है, ठीक है। और लोगों को आपके साथ बातचीत करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, पेशेंस लेवल आपका बहुत हाई है, या तो पहले नहीं था, पहले आप एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो बहुत जल्दी एक्शन लेना, बहुत जल्दी गुस्सा करना, बहुत जल्दी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोल देना, मे बी शायद उसमें भी आप चेंज लाए हो, एंड इसी वजह से शायद उनके अंदर भी चेंज आ गया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, उनके अंदर भी चेंज आ गया है और उनका भी पेशेंस लेवल बढ़ता जा रहा है आपको देख देख के, या फिर आपको देख के वो यही सोचते हैं कि इस इंसान के अंदर कितना पेशेंस है, लाइक वो सब्र करके रखता है अपने काम के पूरे होने की, कुछ भी कह सकते हो, लाइक पेशेंस लेवल आपका बहुत हाई है, ठीक है। और यही चीज़ उन्हें अच्छी लगती है आपके अंदर, आपका कम्युनिकेट करने का तरीका, ड्रेसिंग स्टाइल, आपका केयर फ्री घूमना, रिस्क लेना लाइफ में, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और जो स्ट्रगल है उनको फेस करना, उनसे भागना नहीं, उन्हें फेस करना एंड सोच समझ के डिसीजन लेना अपनी लाइफ के, और हमेशा हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के जो मोड में रहते हो ना, चाहे बुरा है चाहे अच्छा है, अगर हमारी लाइफ में कोई चीज़ आई है जो हमें पता है कि हमें फेस करनी है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे हमें ये नहीं है कि सोचे कि नहीं भाई हमें इग्नोर करना है, हमें नहीं देखना, हमें एक्शन नहीं लेना। जब आपकी लाइफ में कुछ आया है, कोई प्रॉब्लम ही क्यों नहीं आई है, तो जब खुशियाँ एक्सेप्ट करते हैं, खुशियों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम क्यों नहीं बोलते कि ठीक है ये एक चैलेंज आपने दिया है, यूनिवर्स ने, आपके जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हो उन्होंने, तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं।
तो वो चीज़ है कि अब आपके अंदर वो चीज़ें आ गई हैं कि आपका पेशेंस लेवल काफ़ी हाई होता जा रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, इसलिए हमेशा गिवन नेचर रखते हो आप और आप ये सोचते हो हाँ मेरी बारी आएगी, मेरे साथ भी अच्छा होगा, अपना टाइम आएगा, वो वाली चीज़ें हैं, अपना टाइम आएगा। तो वही चीज़ें आपको लगती हैं और यही चीज़ें लोगों को अच्छी भी लगती हैं। सो आपकी चेहरे को देख के तो यही कहूँगी कि उन्हें आपकी स्माइल बहुत पसंद है, आपकी आँखें बहुत सुंदर लगती हैं, आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, वैसे शॉर्ट हेयर यहाँ मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, किसी किसी के लिए लॉन्ग हेयर भी हो सकते हैं, इवन लड़के हों तो शायद उन्होंने भी थोड़े बहुत कर रखे हों शोल्डर तक, वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके हाव भाव में वो यही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, आप डरते नहीं हो, आपकी आंखें ज़रा भी झुकती नहीं हैं जब आप अपनी बातें कह रहे हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, आपकी आंखों में ये नहीं रहता कि नहीं मैं बोलूँ नहीं बोलूँ बोलूँ नहीं बोलूँ, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो कि देखो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। तो ये चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। अगर मैं बर्थ डेट की बात करूँ 5/14/23, यहाँ पे मुझे 7/16/25 दिख रही है, 1 हो सकती है, 4/13/31, 10/12 और 11 11/11 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा ही दिखता हो, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे मुझे 8/17/26 दिख रही है, यही मुझे बर्थ डेट दिख रही है। अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, जुलाई, अक्टूबर, यही मुझे बर्थ मंथ दिख रहे हैं। जो मैंने बर्थ मंथ और बर्थ डेट बताई है अगर वो रेजोनेट नहीं करती, स्टिल रीडिंग रेजोनेट करेगी। जोडियक साइन की बात की जाए यहाँ फायर साइन बहुत ज़्यादा है, अर्थ साइन भी है और यहाँ पे वाटर साइन भी है और एयर साइन भी है। तो जोडियक साइन यहाँ सारे ही मौजूद हैं, स्पेसिफिक जोडियक साइन नहीं बताऊँगी। या गाइज आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। और गाइज एक और चीज़, प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करो वीडियो को, क्योंकि उससे चैनल की ग्रोथ में हेल्प होती है। सो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।